अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हमारे पास तकरीबन कोई नया स्टॉक आ चुका है 100 लैपटॉप के करीब पड़ा है। आप देख सकते हो i7 6, i5 8, i7 11, i7 10, i5 6, ये सारे मॉडल्स आ गए हैं। तो डिटेल के लिए हमारे पास मौजूद हैं अख्तर भाई। तो हम चलते हैं अख्तर भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अख्तर भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तो अख्तर भाई, आज कौन कौन से मॉडल आए आप हम दिखाते हैं? सबसे पहले तो मैं फिर कुछ बेस मॉडल से शुरू करना चाहूँगा, और हॉट सेलिंग जो आइटम मेरे पास अवेलेबल है जिसमें हमारा HP का 840G3 आता है, कोर i5 की 6th जनरेशन है, 16 GB रैम और 256 GB के साथ सारे पीस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बैकलाइट कीबोर्ड के साथ है, मतलब आपको कटिंग नहीं मिलने वाली। ये मॉडल बड़ा पॉपुलर हाइब्रिड स्टोरेज वाला मॉडल होता है, SSD भी लगती है, हार्ड ड्राइव भी लगती है, और इसमें आपको अच्छी पोर्ट सिलेक्शन भी मिल जाती है। तो उससे भाई बहुत क्लाइंट पूछते थे कि भाई आपके पास G3 G4 कब आएगा, तो अब हमारे पास क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। अब मैं ये नहीं आंसर कर सकता कि कब आएगा, मैं कह रहा हूँ कि आगे आ जाओ यार, सही हो गया, हाजिरी लगाओ शॉप पे। तो मेरे पास ये क्वांटिटी में मॉडल है, सारा 840G3 मेरे पास क्वांटिटी में अवेलेबल है। इसके अलावा जो एक और अच्छा मॉडल है HP का, जो सर HP की प्रो बुक सीरीज में आता है, ये बजट फ्रेंडली भी ले जाता है, ऑलमोस्ट आपको 840G3 के रेट में ही नज़र आता है, बल्कि उससे नीचे नज़र आएगा, लेकिन प्रोसेसर एक साल अगला 7th जनरेशन है। सिर्फ प्राइस टैग का फ़र्क इसकी थिकनेस की वजह से थोड़ा सा मोटा होता है, लेकिन फुली प्रोफेशनल मशीन है, सारे फीचर्स को पैक करता है। इसमें भी आपको सारा का सारा स्टॉक बैकलाइट कीबोर्ड के साथ फुल HD रेजोल्यूशन में नज़र आएगा। कोर i5 की 7th जनरेशन है, 8 GB रैम, 256 GB, और इसमें भी SSD भी लग जाती है, हार्ड ड्राइव भी लग जाती है। इसमें DVD रोम को ख़त्म करके हम हार्ड ड्राइव को अपग्रेड किया जा सकता है ईजिली। तो भाई इसकी पोर्ट्स भी बता दें आप हमें। तो पोर्ट सिलेक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर हमें USB पोर्ट्स नज़र आ जाती हैं, यहाँ पे फुल साइज़ की एक डी पोर्ट नज़र आ जाएगी, Type-C पोर्ट अवेलेबल है, इथरनेट जैक अवेलेबल है, और सेकंड साइड पे चले जाएँ तो सिर्फ कंसेंटर लॉक और DVD रोम। तो ये एक अच्छी पोर्ट सिलेक्शन के साथ आता है। ऑफ कोर्स प्रो बुक का तो प्रोफेशनल मशीन होती है प्रोफेशनल यूज़र्स के लिए, और मेरे पास इसमें 20 पीस तो सामने लगाए हुए हैं, कुछ पीछे भी पड़े हैं, तो हमारे पास 25-30 पीस पड़े होंगे इसके। ये कोर i5 की 7th जनरेशन है, और मैं ये चीज़ पहले बता दूँ कि ये सारे के सारे जो से लैपटॉप्स हैं ना, ये बहुत ही अच्छी प्राइस टैग पे हैं। इसका रेट भी वैसे मैं कन्फर्म कर देता हूँ, 52,000 में 8 GB रैम, 256 GB SSD के साथ ये मिल जाएगा, और ये सारे पीसों के जो है फ्रंट पे कैमरे का सिर्फ ग्लास नहीं है, लेकिन बाकी ये मशीन 100% है। तो ये बिल्कुल फुली प्रोफेशनल मशीन है, ये वाली मशीन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं, तो हमारे पास ये एक बॉक्स अवेलेबल है जिसके अंदर डेल का 5490 मॉडल है, बड़ा हॉट सेलिंग आइटम है आजकल मार्केट में, बड़ा इन हुआ हुआ है, और ये कम पैसों में एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। मेरे पास 5490 का पहले भी स्टॉक लगा हुआ है डिस्प्ले में, लेकिन मेरे पास और पीस आ चुके हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त अगर मैं इसको हाफ हाफ डिवाइड करूँ ना, तो इस तरह वाले सारे i5 8th जनरेशन है, और इस तरह वाले सारे i7 8th जनरेशन, दोनों का एक एक पीस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं i7 8th जनरेशन वाला पीस मिल जाएगा, और आपको i5 8th जनरेशन वाला भी पीस मिल जाएगा। इनकी प्राइसेस नए स्टॉक की अभी हमारे पास आई नहीं है, कन्फर्म नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपको मैं वैसे ये चीज़ प्रोवाइड कर देता हूँ। और आपने स्टिकर को देख के घबराना नहीं है कि AMD का लगा, i3 का लगा, Core-2 का लगा, गवर्नमेंट काम नहीं करने देती थी यार, टैक्स थोड़ा सा ना बचाना पड़ता है, दूसरा स्टिकर लगा कर हम सामान इंपोर्ट कर लेते हैं, क्या करें, अच्छी प्राइसिंग भी तो देनी ना कस्टमर को। तो ये मेरे पास अवेलेबल है, बैकलाइट कीबोर्ड के साथ 5490 है, i5 की 8th जनरेशन है, 8 GB रैम है, 128 GB SSD के साथ आया है, 256 का अपग्रेड भी कर देंगे, अगर कोई 128 के साथ भी लेना चाहे तो ऑफकोर्स 128 के साथ भी डिलीवर किया जा सकता है। और इसी में जो सा i7 वाला पीस है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग मॉडल है, हॉट सेलिंग है, सिर्फ और सिर्फ इसके 6-7 पीस आए हैं i7 वाले के, लेकिन इसके एक तो प्रोसेसर i7, ऊपर से ये सारा का सारा स्टॉक टच स्क्रीन में, मज़े आ जाएंगे, जिसकी लाल टपक रही है वो हाथ लगा लो। तो i7 8th जनरेशन 16 GB रैम, 512 GB के साथ आया, ऑफकोर्स इसका भी रेट हम 8256 के साथ कोट करेंगे, हर कोई इसको 16512 के साथ खरीदता नहीं है, लेकिन मेरे पास इसके 6-7 यूनिट अवेलेबल हैं i7 8th जनरेशन में भी। और इनकी भी 5490 की भी अगर पोर्ट सिलेक्शन की बात की जाए तो ये फुल साइज़ SD कार्ड के साथ भी आते हैं, इसमें USB पोर्ट भी है, Type-C पोर्ट भी है, HDMI पोर्ट मिल जाती है, जो कि HP की आपको 6th और 7th जनरेशन में आपको नहीं नज़र आती है, लेकिन डेल के जो से लैपटॉप है 6th और 7th जनरेशन में आपको HDMI पोर्ट प्रोवाइड करते हैं। USB पोर्ट इसमें भी है, इथरनेट जैक है, और VGA पोर्ट भी मिल जाती है, तो पोर्ट में इसमें किसी भी एंगल से कोई कमी नहीं मिलती है। अब देख लें, इसमें डेल जो सा है 3 USB पोर्ट्स प्रोवाइड करता है, जबकि HP के इस मॉडल में भी और इस प्रो बुक में भी और लेटबुक में भी आपको 2 USB पोर्ट मिलती है। तो डेल ने ऑलवेज जो था ना पोर्ट्स की तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच करता है। तो इसके बाद कौन से मॉडल है भाई? हाँ, ये लास्ट टाइम भी स्टॉक आया था मेरे पास, कस्टमर ने बड़ी डिमांड की थी, बड़ा जल्दी सेल हुआ था, लेकिन मेरे पास 7280 फिर से स्टॉक आ चुका है, i7 7th जनरेशन है, 16 GB रैम, 512 GB SSD के साथ ही ये स्टॉक अवेलेबल है मेरे पास, i7 की 7th जनरेशन है।
ऑफकोर्स i3 का स्टिकर देख के घबराना नहीं है, मैंने पहले बताया i7 वाला ये स्टॉक अवेलेबल है। i7 में मेरे पास जो से हैं 6 पीस अवेलेबल हैं और सिर्फ एक पीस i5 वाला आया है, तो अगर कोई i5 को भी कंसिडर करना चाहे। 7280 इस वजह से पॉपुलर मॉडल है कि ये कम पैसों में जो सा है ज़्यादा पावर पैक करता है, 12 इंच के स्क्रीन साइज में आता है, 12.5 इंच के 12.5 इंच में। और आपको इसमें भी देखें 7 जनरेशन में भी इसमें भी आपको HDMI पोर्ट भी मिल जाती है, इथरनेट पोर्ट, 2 USB पोर्ट, हेडफोन जैक, मतलब डेल पोर्ट्स में कमी नहीं करने वाला बंदा, मतलब ये हमेशा खुली पोर्ट्स रखते हैं डेल वाले। और इसी में हम थोड़ा सा आगे चले जाएँ तो हमारे पास 7290 भी i7 8 में है, ये बड़े लकी यूज़र को मिलेगा, मतलब जो सबसे पहले आएगा ये सिर्फ उसी को मिल पाएगा, सिर्फ एक यूनिट है 7290 का i7 की 8 जनरेशन में। ऑफकोर्स ये ऑलमोस्ट आपको जो है 14 इंच वाले i5 के राउंड अबाउट देखने को नज़र आने वाला है, मुझे अभी इसकी प्राइसिंग कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये मिल जाएगा आपको, ये बहुत ही अच्छे प्राइस चेक पे होगा, इस पर नज़र रखनी है आपने जैसे ही हम इसकी प्राइसेस अपडेट करते हैं। इनकी प्राइसेस कब अपडेट करेंगे अख्तर भाई आप? इंपोर्टर से जब भी हम सामान परचेज करते हैं तो हमें जो सी प्राइसेस हैं वो एक दिन छोड़ के या अगले दिन आ जाती हैं, जैसे कि ये कल रात को मेरे पास स्टॉक आया तो मुझे एक्सपेक्ट है कि इसकी प्राइस जो सी है मुझे आज शाम को आ जाएगी या कल शाम तक आ जाएगी, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्राइसिंग के साथ इसकी वीडियो को बनाएंगे हर मॉडल के लिए, ठीक है। लेकिन ये फिर डेल का 5400 है, ये i5 की 8 जनरेशन में है, ये मेरे पास भी स्टॉक आ चुका हुआ है और इसमें भी 4 पीस अवेलेबल है, 8GB रैम, 256GB SSD हो जाएगी इसमें, और ये भी 4 यूनिट अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं मेरे पास इसमें बॉक्स में। नेक्स्ट चलें तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल आया हुआ है 7490। अब आपने 7490 i5 वाला तो देखा होगा, लेकिन 7490 मेरे पास ये सारे पीस जो से हैं ये कार्बन फाइबर की फिनिश में हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका ज़्यादातर ब्लैक एडिशन आता है, लेकिन कार्बन फाइबर जो सा स्पेशल एडिशन है वो वाला है, ऊपर से टच स्क्रीन में है, i5 की 7 जनरेशन में आया है, 8GB रैम, 256GB SSD के साथ, तो ये पीस मिल जाएंगे आप देख सकते हो, कंडीशन 10x10 कंडीशन के अंदर है लैपटॉप्स, तो ये आपको मिलेंगे। ये अभी क्लीनिंग होने वाली है वो हो जाती है, लेकिन कंडीशन हमें नज़र आ रहा है 10x10 में। तो ये i5 की 7 जनरेशन है, ये भी आपको मिल जाएगा 8256 के साथ। प्राइस टैग मेरे जेन में इसका है, लेकिन अफकोर्स ये आपको प्राइस टैग जो सा है हम आराम से शेयर करेंगे। अब बाकी रह गया तो वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल डेल का 5480 है, i7 की 7 जनरेशन का HQ प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें, तो अब आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली है HQ की। ऑफकोर्स i7 7 HQ जो सा प्रोसेसर है वो ये जो है i5 की 10 जनरेशन जो लैपटॉप है इनसे ज़्यादा पावरफुल बनता है, तो हम उनकी तरफ भी जाते हैं, लेकिन i7 7 HQ एक अच्छे प्राइस टैग में आपको ये मशीन मिल जाएगी। डेल का 5480 है i7 7 16256 के साथ, और सिर्फ 2 यूनिट अवेलेबल हैं जो कि HQ प्रोसेसर के साथ आए हैं, बाकी सारे जो उनसे हैं आगे। अगर इसी में ये 5480 आपको दिखाया है तो 7480 भी मेरे पास आया हुआ है, अब 5470 i7 6th generation ये भी मिल जाएगा आपको, ये भी आपको i7 6th generation की HQ प्रोसेसर प्रोवाइड करते हैं, और इसका जो सा है एक पर ये वाला HQ बल्कि बाकी जो उनसे हैं वो नॉर्मल प्रोसेसर के साथ है, 2 HQ में i7 6th generation में 2 HQ मिल जाएंगे, एक आपको विदाउट HQ मिल जाएगा, तो ये वाले मॉडल्स भी अवेलेबल है i7 6th generation के HQ प्रोसेसर के साथ। नेक्स्ट चलते हैं तो यार ये बड़ी मज़ेदार मशीन है i5 की 7 जनरेशन 7490। अब जो हमारे क्लाइंट चाहते हैं कि यार डेल जो सा है स्लिम लैपटॉप नहीं बनाता, तो यार ये डेल का स्लिम लैपटॉप है 7480। अब ये देख सकते हैं ये स्लिम स्मार्ट है, क्योंकि 54 सीरीज़ ये देखें फैट होती है, 74 सीरीज़ स्लिम में नज़र आ जाती है, तो ये स्लिम सीरीज़ के लैपटॉप भी मेरे पास डेल के आ चुके हुए हैं। ये मेरे पास i5 की 7 जनरेशन में स्टॉक अवेलेबल है, i3 स्टिकर की तरफ अभी भी नहीं जाना आपने तो और ये फेस आईडी वाला स्टॉक है, वैसे i5 7 वाला ये मेरे पास फेस आईडी के साथ आया हुआ है, और i5 की 7 8GB रैम 256GB SSD के साथ ये मिल जाएगा, और इसी में ही मेरे पास i7 7 16GB वाला वेरिएंट भी मिल जाएगा आपको, तो ये i7 7 है 16GB है। हमने तकरीबन सारे मॉडल्स कवर कर लिए, लास्ट जो से 2 मॉडल्स हैं हम उनकी तरफ चलते हैं। इसमें भी मेरे पास 4-5 पीस अवेलेबल हैं, इसमें मेरे पास 6-7 पीस अवेलेबल हैं, 7480 और 7480 इसका मॉडल है। अब चलते हैं हम अपने सेकंड लास्ट लैपटॉप की तरफ, तो जो है मेरे पास 5410 i5 की 10 जनरेशन है, ये 16GB रैम है, 128GB के साथ आया, लेकिन 16256 कर देंगे, क्योंकि ऑफकोर्स 256GB मिनिमम नीड होती है, बाहर से जिस मर्जी स्पेक्स में आए अक्सर लैपटॉप में SSD नहीं आती वो भी ऐड हो जाती है, तो ये वाला भी मॉडल हमारे पास अवेलेबल है, बल्कि मैं इसकी कंडीशन भी आपको खोल के दिखाऊँ, आप इसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं। डेल का सिल्वर बॉडी डिज़ाइन में आता है, और ये i5 की 10 जनरेशन के साथ मेरे पास स्टॉक में आया हुआ है, और
ये 5410 है, इसके मेरे पास टोटल 15 यूनिट अवेलेबल हैं, तो 15 पीस हैं। 10वीं जनरेशन इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। और लास्ट पे हम चलते हैं, जो हमारा लास्ट पीस है वो कोर i7 की 11 जनरेशन 5420 है। ये मेरे पास एक पीस पहले से स्टॉक में पड़ा है, एक पीस और ऐड हो गया है, तो टोटल 2 यूनिट अवेलेबल हैं। i7 की 11 जनरेशन है, 16GB रैम विदाउट SSD है, लेकिन आपको SSD ऐड करके मिल जाएगा। और ये भी आप इसकी भी कंडीशन आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरा पीस है। और मज़े की बात है, ये वाला यूनिट फेस आईडी के साथ अवेलेबल है। तो ये सारे लैपटॉप हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारी जो सी शॉप है वो हफीज सेंटर के साथ वाले प्लाजा में, एग्जैक्ट ऐसे आपको अवैस भाई हमारे बताते हैं, तो अवैस भाई एड्रेस बता दें। ये हफीज सेंटर गेट नंबर 1 के साथ, जिधर हफीज सेंटर की पार्किंग थी उधर एक नया प्लाजा बन गया MCT मोबाइल सेंटर टेक्नोलॉजी के नाम से। उसके फर्स्ट फ्लोर पर शॉप नंबर 1, 2, 3, 15, ये 4 शॉप हैं लैपटॉप वाला के नाम से हम कारोबार कर रहे हैं। आप हमें उधर विजिट कर सकते हो। और वीडियो के नीचे जो अख्तर भाई का और मेरा नंबर दोनों चल रहे होंगे, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके इनकी प्राइसेस और इनकी डिटेल आप पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नए लैपटॉप के साथ, नई वीडियो के साथ हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए जल चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। ओके अख्तर भाई, अस्सलाम वालेकुम।